रुक करते हैं बड़ी खबर को। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर भाजपा ने सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर पूछे गए प्रश्न पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने स्तरहीन और अप्रासंगिक बताया है। बता दें कि भाजपा नेता ओपी चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों में सही विकल्प ही नहीं दिया गया, तो कुछ प्रश्नों के विकल्प में 200 वर्षों का अंतर था। इतना ही नहीं, अब अभ्यर्थियों से यह पूछा जा रहा है कि राजनांदगांव में सीएम के भेंट मुलाकात कब की। यह सब जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है कि वे एक गांव का गरीब व्यक्ति कभी आगे ना बढ़ सके। उन्होंने यह भी कहा, इस प्रकार के स्तरहीन और अप्रासंगिक प्रश्नों को पूछकर भ्रष्टाचार की स्थिति को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में निर्मित किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में पीएससी भ्रष्टाचार स्तर हीनता की पराकाष्ठा को पार कर रही है। यह गांव गांव से आए बच्चों और उनके माता पिता के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। क्या कुछ कहा भाजपा नेता ओपी चौधरी ने, चले आपको सुनाते हैं। अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में पीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित हुई। प्रश्न क्रमांक 88 में देखेंगे तो कलचूरी वंश के पदस्थता संबंधी प्रश्न है, जिसमें विकल्प है 1940-1941, जबकि ये छत्तीसगढ़ में 1740-1741 के आसपास की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। सीधा 200 सालों का अंतर पीएससी के विकल्पों में है। प्रश्न क्रमांक 66 में देखेंगे कि ब्रिटिश कैप्टन सैंडीज ने कौन सी ताहूतदारियों का निर्माण किया, इसमें लोरमी और तरेंगा जो सही विकल्प हैं वो किसी विकल्प में दिखाई ही नहीं देते हैं। प्रश्न क्रमांक 57 में पूछा गया कि राजनांदगांव जिले में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कौन सी तारीख को संपन्न हुआ। इस तरह के आत्ममुग्धता और अप्रासंगिक तथ्यों से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 56 में देखेंगे कि 4 जुलाई 2022 तक भुइयां पोर्टल में व्यक्तिगत वन अधिकार के कितने पत्र अपलोड हुए। इस तरह प्रत्येक डेट का अलग अलग का कोई सब डेट का तैयार याद कर सकता है क्या दुनिया में कोई। इस तरह के अप्रासंगिक और स्तरहीन प्रश्न पूछकर भ्रष्टाचार की स्थितियों को पीएससी में निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से और पीएससी से मैं कहना चाहूंगा कि देश के अन्य प्रदेशों के पीएससी यूपीएससी की स्टैंडर्ड को मैच करके अपनी क्वालिटी और पारदर्शिता में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्तरहीनता और भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित हो रही है, जो छत्तीसगढ़ के गांव गांव के माता पिता और बच्चे जो अपने जीवन में एक अच्छे भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है।